हेलो एवरीवन, ये दो क्वेश्चन के थ्रू हम आपको H2SO4 का वर्क बताएंगे कि डिफरेंट अल्कोहल लेते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन में प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। ठीक है, H2SO4 अगर डाइल्यूट लेते हो तो क्या होता है, एल्किन के साथ कंसनट्रेटेड लेते हो तो क्या होता है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको हम ये सारे क्वेश्चन है देखिए ये सारे पूरे क्वेश्चन हम बेहतरीन सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए ये दो क्वेश्चन ही हम शायद इस शॉर्ट वीडियो में करा पाएंगे, बाकी क्वेश्चन हम आपको बता देंगे कहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 है तो ये हीट भी गिवेन है, तो ये हिंट होता है एलिमिनेशन का। आप देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन बात आती है ये लोन पेयर कौन सा वाला लोन पेयर, इस एच प्लस एसिड मतलब एच प्लस पे अटैक करेगा। देखो तो अगर ये लोन पेयर अटैक करेगा तो कार्बोकैटायन हमारा यहाँ बनेगा, ध्यान देना। देखो वो जैसे ही अटैक करेगा वो H2 बनेगा, यहाँ प्लस आएगा, वो H2 क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। अगर यहाँ पे ये वाला अटैक करता है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, लेकिन जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री ज़्यादा, फिर तो हमारा 2 डिग्री वाला इसलिए ये फेवरेबल होगा। ठीक है, ये अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ध्यान देना, इसका लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, तो ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा तुरंत। यहाँ पे क्यों अटैक किया, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है जो कि स्टेबल होती है, तो 6 मेंबर रिंग बना लो आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक पे हमारा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन बना लो, वो यहाँ से गया था पॉजिटिव आ गया, हाइड्रोजन था हाइड्रोजन लिख लो, और 6 पे हमारा एक मिथाइल था तो 6 पे हमने एक मिथाइल बना लिया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हाइड्रोजन तुरंत न्यूट्रल बाहर निकल जाएगा, और ये जैसे ही बाहर निकल जाएगा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वर्कअप होता है, तो इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, बाकी ये हम और डिटेल में बताएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, ये सब क्यों होता है, और एरो ऐसे होता है तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये जरूर याद रख लो। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, ये हाइड्रोजन को ऐसे लेके निकल गया। ठीक है ना, ये ऐसे नहीं निकलता, ऐसे निकलता है एक्चुअली में, तो ये हाइड्रोजन ऐसे निकला, यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल कर दिए, तो इसलिए ऑक्सीजन पे न्यूट्रल आ जाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे तो ये एक ही OH था, तो ये इस एच प्लस पे अटैक करेगा, H2SO4 मतलब एच प्लस देगा एसिड, तो ये हमारा यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब 5 मेंबर रिंग के बगल में कार्बोकैटायन होता है तो वो तुरंत रीअरेंजमेंट कर लेता है, क्योंकि 5 से 6 में ज़्यादा, 6 मेंबर रिंग अभी बताया ज़्यादा स्टेबल होती है, तो 5 अगर मेंबर रिंग है उसके जस्ट बगल कार्बोकैटायन हो तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे चला आता है, तो 6 मेंबर रिंग बना लो, 1 2 3 4 5 6, एक पे हमारा, 2 पे हमारा कार्बोकैटायन चलाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया, और हमने क्या किया, 1 और 6 में बॉन्ड बना दिया। ठीक है, और हमने क्या किया, 1 पे हमारा मिथाइल था, ये देखो मिथाइल था ना ये वाला, तो 1 पे मिथाइल बना दिया। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये कार्बोकैटायन जहाँ बनता है ना उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं, और यहीं पे बीटा हाइड्रोजन भी होता है, तो देखो एक बार ये हाइड्रोजन इधर आ सकता है, एक बार ये हाइड्रोजन इधर जा सकता है, दोनों बना के देखते हैं कौन मेजर बनेगा। तो देखो अगर ये वाला इधर गया तो हमारा क्या ये बना प्रोडक्ट, लेकिन ये हमने क्या बोला, ये वाला इधर आया तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पे स्टेप मेजर कौन है, ये मेजर है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3 2 5 है। देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल कार्बन पे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, तो यहाँ पे 3 और 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, कम है अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो मेजर हमारा ये वाला होगा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बाकी ये क्वेश्चन हमने कराए हैं, देखो डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो क्या होता है, देखो ये डाइल्यूट का केस है ना ये वाला, और ये कंसनट्रेटेड का केस है। तो डाइल्यूट वाले केस में क्या होता है पता है आपको, डाइल्यूट वाले केस में ये होता है कि एडिशन ऑफ वाटर हो जाता है, डाइल्यूट मतलब वाटर, तो एडिशन ऑफ वाटर। देखो ये एल्किन सबसे पहले यहाँ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन बन गया तो इसके जस्ट अगले स्टेप में H2 यहाँ जाएगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये हमारा बन जाता है। ठीक है, यही होता है एडिशन ऑफ वाटर, और इस केस में हमारा एडिशन ऑफ वाटर नहीं होता है। ठीक है, इस केस में एलिमिनेशन होता है, हीट भी गिवन होता है जनरली, तो यहाँ पे देखो ऐसे होता है,
और ये कार्बोकैटायन बनता, अब ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री था, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये मिथाइल यहाँ चलाएगा, 1-2 शिफ्टिंग, ये मिथाइल यहाँ, ये कार्बोकैटायन यहाँ, तो देखो ऐसे, और हमारा ऐसे था, ये यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया ऐसे, और हाँ ऐसे, जो ये देख लेना, ये कार्बोकैटायन यहाँ आ गया, हमने यहाँ बना दिया। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे मेन बात यहाँ यही था, ये कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे H2O का एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, हाँ ये बनता, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने फुल सॉल्यूशन जो है ना, इन सभी के सॉल्यूशन IITN थिंकिंग चैनल पे अपलोड किया है, और डिटेल में अच्छे से बात किया है पूरा, IITN थिंकिंग चैनल ना, वहाँ पे पूरा डिटेल में इन सबका सॉल्यूशन है, तो देख लेना अगर कुछ डाउट होता है, ठीक है, थैंक यू।